दोस्तों, क्या आपका मन कभी हिचकोले खाता है कि जब आप बैठ करके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका एक दोस्त या रिश्तेदार कोई भी है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर फटाफट रातों लाखों करोड़ों रुपए बनाता है। जब आप ये सुनते हो तो क्या आपका मन हिचकोले खाता है? अगर हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक मैं आपके दिमाग से ये जाले हटा दूंगा और मैं आपको क्लैरिटी के साथ में बताऊंगा कि क्या फायदे और नुकसान है इंट्राडे ट्रेडिंग के। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको आखिरी सेकंड तक देखना है क्योंकि तभी आपको मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग का सीक्रेट। चलिए लेट्स बिगिन साइबरनॉमिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे आप कि क्या आप रातों रात करोड़पति बनने में यकीन करते हैं कि आज मेरे पास में 5 रुपए हैं और मैं 5 लाख का सौदा करने चला हूं। हाँ, यह अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता था ना। तो दोस्तों, इसी तरह से आपके भी मन में अगर ऐसा है कि मैं आज कॉल ऑप्शंस खरीदूंगा, 100 कॉल उठाऊंगा और निफ्टी में लगाऊंगा रातों रात, शाम को 3:30 बजे से पहले पहले मेरा बैंक अकाउंट फुल, क्या आपके दिमाग में ऐसे सवाल चलते रहते हैं? तो दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो क्या आप सचमुच में सही ट्रैक पे हैं या कि गलत ट्रैक पे हैं? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आप एक दिन के लिए पैसा कमाना चाहते हैं या जिंदगी भर के लिए दौलत बनाना चाहते हैं? मुझे जवाब दीजिए आप कमेंट में, उसके बेसिस पर फिर आप मेरी बात समझ पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपने जवाब दे दिया है तो आगे की बात करते हैं। यदि आप सिर्फ एक दिन के लिए पैसा कमाना चाहते हैं कि शाम को आपका ऐसा सीना चौड़ा हो जाए और आप अपने दोस्तों को कहो, यस मैंने आज 1 लाख रुपए लगाए और 1,20,000 रुपए बना लिए, एक ही दिन में 20,000 का प्रॉफिट, या कुछ भी हो सकता है 5 लाख का प्रॉफिट, वो भी अगर आप ऐसा कोई गेम जीतना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप रोज गेम जीतना चाहते हैं और रोज एक विनर बनना चाहते हैं और 10-10%, 5-5% या उससे कम में भी आप धीरे लेकिन ग्रो करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए करनी चाहिए, शौक के लिए नहीं। अगर आपने शौक से हटे तो शौक लग सकता है। आप समझ गए मेरी बात का मतलब? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो ट्रेडिंग है स्टॉक्स की, वो एक एंटरटेनमेंट का बड़ा अच्छा और फटाफट से ऐसे एंजॉयमेंट का अच्छा साधन है। लेकिन अगर आप जिंदगी भर के लिए सीरियसली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये साधन पूरी तरह से सही नहीं है। उस केस में दोस्तों, आपको बोरिंग लगने वाला, पुराने जमाने का वॉरेन बफेट साइड टाइप का ढीला ढाला डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों? आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, अगर आपको सामान्य रिटर्न चाहिए, सामान्य का मतलब है दोस्तों कि 70-80% लोगों के मिलने वाले रिटर्न के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न, तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है 3 इंडेक्स फंड उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? 3 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 का, एक निफ्टी मिड कैप का और एक निफ्टी स्मॉल कैप का। बस 3 ही फंड उठा लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम हो उसका ले लीजिए, ठीक है? और उनमें दोस्तों अपने हिसाब से SIP कर लीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने 1,000, 500, 2,000 जो भी रुपए डालने हैं वो आप इन तीनों में बराबर बांट दीजिए। और खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप ज्यादा पैसा डालिए निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में और उससे कम पैसा डालिए 250 जो आपका मिड कैप इंडेक्स होता है उसमें, और उससे कम पैसा डालिए आप स्मॉल कैप इंडेक्स में। और इसके अलावा कुछ पैसा दोस्तों आप सोवरेन गोल्ड फंड में भी डालिए। बस इतना करके आराम से बैठ जाइए, ऑफिस जाइए, खाना खाइए, ट्रेवल पे जाइए, ट्रिप पे जाइए। आम तौर पे अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा तक ये प्रोसेस करते हैं, ना आपको रोज किसी स्टॉक मार्केट की न्यूज देखने की जरूरत, ना आपको टीवी चैनल को के ऊपर माथा गड़ाने की जरूरत, कौन एक्सपर्ट क्या कह रहा है कुछ नहीं।
आपको लगभग अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। 5 साल से ज्यादा में अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, फिर से कह रहा हूँ गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो लंबा तजुर्बा जो एक्सपीरियंस जो इस स्टॉक मार्केट का है, 100 सालों से ज्यादा का जो स्टॉक मार्केट दुनिया भर के हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग आपको एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाएगा। और बेटर देन आपको FD या फिर बैंक के सेविंग अकाउंट से तो डेफिनेटली ज्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांस है, उसको तो आप मान के चलिए। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर आप अगर सचमुच में सीरियसली मार्केट से थोड़ा ज्यादा अच्छा पैसा लंबे समय तक ग्रो करने के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप दूसरी कैटेगरी में आ जाओगे जिसे कहते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। देखिए जो पहली कैटेगरी थी ना जिसमें आप चाहते हैं कि आपको माथा लगाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं चाहिए, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो वो तरीका पहला वाला था जिसको कहते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव मतलब उसके पास टाइम नहीं है वो, या फिर उसको नॉलेज नहीं है, उसको बस सिंपल बता दो साधारण शब्दों में कि क्या करना है। तो आपने अगर वो कर लिया तो आप भूल जाइए फिर उसके बाद, हर 3 महीने में एक बार अपना स्टॉक मार्केट का वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो खोल के देखिए, कुछ छोटा मोटा चेंज है तो ठीक है, नहीं तो चलने दीजिए उसको। लेकिन अगर आप मार्केट से बेटर रिटर्न कमाना चाहते हैं दोस्तों तो फिर उस केस में आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज भी आनी चाहिए, और ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्या मुश्किल दोस्तों, बताइए क्या सचमुच में मुश्किल है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ये सच में मुश्किल है, लेकिन किसके लिए? बाकी सब लोगों के लिए। अरे आप तो मेरे मित्र हैं, आपके लिए मुश्किल कैसे रहेगा? आपके लिए मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है दोस्तों। रिसर्च बेस्ड कंटेंट, पूरा इन डेप्थ कंटेंट केस स्टडीज के साथ में मैंने आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में बना के दे दिया है, जिसको सीख के खुद अपने लेवल पे आप इक्विटीज को, शेयर मार्केट को, मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको अच्छे से समझ के और खुद इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं अपनी अक्ल से, ना कि किसी इंश्योरेंस एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर की अक्ल से। ना ना ना, वो सारे तो अपना फायदा देखते हैं, लेकिन पैसा आपका है। आप इस चैनल पर सारी चीजें डिटेल में सीख करके और खुद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के रूप में मैं दे रहा हूं, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट बना सकें और लंबे समय में बहुत सारा पैसा गेन कर सकें। तो दोस्तों ये है खास बात। अब अगर आप मैं आप अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर फिर हम डिफेंसिव इन्वेस्टर बने या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बने, तो अगर डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं दोस्तों मैं आपको कहूंगा, क्या आपके पास में टाइम है, एनर्जी है, और आपके पास में पैसा है, आपके पास में पेशेंस है? अगर ये है और सीखने की एक बहुत प्रबल इच्छा भी है, अगर ये सब नहीं है, अगर ये सब नहीं है तो आप सिंपल डिफेंसिव इन्वेस्टर बनिए। 3 या 4 SIPs जो मैंने बताई है वो करिए और टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा अपने आप ग्रो करता रहेगा। दूसरे तौर पे अगर आप सचमुच में बहुत गहराई से इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं और मार्केट से थोड़ा सा बेटर रिटर्न कमाने की इच्छुक हैं तो आप प्लेलिस्ट पर मौजूद सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, एक पेन पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, और उससे आप काफी चीजें सीख जाएंगे। तीसरी चीज, अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और आप एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, या फिर आपको गहराई से सब चीजों को क्लैरिटी के साथ में सिस्टमेटिकली सीखने का इंटरेस्ट है, तो दोस्तों उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट के लिंक है, उस पर हमने आपके लिए पूरा डिटेल का एक कोर्स बना रखा है। उस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना शुरू करना है, चाहे उससे पहले ABCD भी नहीं आती हो आपको स्टॉक मार्केट की, लेकिन पहले कदम से स्टार्ट करके सिखाया जाएगा और आपको एक्सपर्ट लेवल पे, जो ये TV में बैठ करके बैठते रहते हैं एक्सपर्ट्स, उस लेवल की नॉलेज आपको दे दी जाएगी। उसमें बहुत सारे केस स्टडीज भी हैं, लाइव एग्जाम्पल्स भी रहेंगे, मेरे और बाकी हमारी टीम के लोगों के साथ लाइव सेशंस भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उसके एंड में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि दोस्तों उससे, उस नॉलेज से जो आपको मिलेगी उसके बेसिस पर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की
सर्टिफिकेट को भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो आप आज ही जो डिटेल्स दे रखी है इसमें डिस्क्रिप्शन में वो चेक करिए, और जो प्लेलिस्ट है हमारी उसका लिंक तो आपको आई बटन पे मैं दे ही रहा हूँ, तो आपको ये तो फ्री कंटेंट, ये तो अभी से शुरू कर दीजिए। और साथ में अगर ज़्यादा सीरियसली आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप कोर्स कर लीजिए हमारा। लेकिन दोस्तों कभी भी क्या नहीं करना है ये मैं बता देता हूँ कि दूसरों की राय के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट या मैं सीधे शब्द कहूँ वेस्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटा टारगेटेड वीडियो रखा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और मेरी राय से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए ना, इसको लाइक कीजिए और इसको अपने सारे सर्कल के लोगों को शेयर कीजिए। और चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर वीडियो बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो अभी तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो फिर उसी के बेसिस पे आपको मिलेगी। सही है, चलिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। मैंने आज जो बताया है उसकी समरी फटाफट से बता देता हूँ कि अगर आप बहुत टाइम एनर्जी और आपके पास में क्षमता नहीं है तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनिए, और आप एक लार्ज कैप का निफ्टी 50 का, एक मिड कैप का और एक स्मॉल कैप जो निफ्टी है उस इंडेक्स का इंडेक्स फंड ले लीजिए और उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करिए एवरी मंथ के हिसाब से। IDFC वगैरह कई बैंकों के मिल जाएंगे आपको। नहीं मिलते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे और बहुत सारे मित्रों ने अगर कमेंट में लिखा तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बता दूंगा कि कौन से फंड्स आपको सूट करेंगे। दूसरा, अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी और आप सचमुच में सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को पूरी को आप विजिट करिए, उसको उससे सीख सकते हैं। और अगर आप अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं या आप मेरी जैसे इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उस केस में आप हमारा एक कोर्स है जो हमने स्पेशली डिजाइन किया है बिगिनर्स के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं आता है, तो वो ज्वाइन कीजिए। बहुत कम चार्जेस हैं, जो लोग लाखों रुपए लेकर के और स्टॉक मार्केट में सिखाते हैं, MBA कॉलेजेस में जाओगे तो आप 2 साल लगाने पड़ेंगे, लाखों रुपए लगेंगे, तो भी वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो मैं आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो दोस्तों वो कोर्स ज्वाइन करिए और आप सारी चीज़ों को सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चॉइस आपकी है। अगर मैं आप मुझसे कोई और उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ और क्लैरिटी लाऊं, किसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्लैरिटी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उस बारे में भी लिखिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में भी नॉलेज यहाँ यूट्यूब पर मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खूब सारा पैसा कमाइए, और किसी और नहीं अपनी अक्ल लगा करके। और वो कैसे लगानी है, इसमें मैं आपका दोस्त सागर शर्मा आपकी मदद हमेशा करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।